आज प्रातः यूपी 112 के द्वारा ये सूचना मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके ये बताया कि जो जनपद आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होगा। और इस सूचना पे तत्काल जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है BDS स्क्वाड और अन्य जो हमारी टीमें हैं बम निरोधक दस्ते की, वह उस परिसर का सघनता से उनके द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। अभी तक कोई इस प्रकार की वस्तु की मिलने की कोई जानकारी हमारी फील्ड की यूनिटों ने नहीं दिया है। जिस व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कंट्रोल रूम को, उस व्यक्ति को ट्रेस करने के लिए भी रेंज में कई सारी हमारी जो टीमें हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। शीघ्र ही उस व्यक्ति को हम लोग ट्रेस कर लेंगे और मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी जो श्रोता इसे देख रहे हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 99% ये एक होएक्स कॉल है, यानी कि एक फर्जी सूचना है। लेकिन चूंकि एक ड्रिल है, उस ड्रिल का हम लोग फॉलो कर रहे हैं और जो मुझे CISF के ऑफिसर्स ने इनपुट दिया है उसके मुताबिक अगले आधे घंटे या एक घंटे के भीतर पुनः इस परिसर को टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।